तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंडियन आर्मी की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में एक न्यू वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाल गए हैं, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए हमारे इस वीडियो में तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल कर रखे हुए दोस्तों। इसे किस तरह से और कहाँ से डाउनलोड करना है, ये वीडियो को अंत में बताएंगे दोस्तों, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे डेट मेंशन किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों। देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर देख सकते हैं दोस्तों 30 अक्टूबर तक चलने वाली है। आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म भरना है, वीडियो मान तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो मान तक बने रहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, कितने पदों पर इसमें वैकेंसी निकाले गए, नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया दोस्तों। ये देखने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा दोस्तों। आगे बताएंगे वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करना है दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोस्ट नेम दिया गया जो हवलदार नाविक सुबेदार के पद पर इसमें वैकेंसी निकाले गए दोस्तों, स्पोर्ट के लिए निकाले गए। देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कुछ वैकेंसी का यहाँ पे डिटेल दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे कर सकते हैं दोस्तों, दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए, जॉब लोकेशन सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाले दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, भारत के किसी भी कोने से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जॉब लोकेशन सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सैलरी के बारे में बताया गया, जो 28,000 से लेकर 81,000 रुपए तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट के लिए पैसा नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है, तो 3 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ओबीसी वाला को 3 वर्ष अधिक छूट दिया जाता है, यानी कि आपका एज 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। और अगर बात की जाए एससी एसटी वालों को, तो इनको 5 वर्ष छूट दिया जाता है दोस्तों, यानी कि इनका एज 18 से लेकर 38 वर्ष के बीच है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 30 सितंबर 2023 तक एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए, बताया गया दोस्तों कि आवेदन करते वक्त कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाले थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी दोस्तों लग सकता है, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर भी लगेगा दोस्तों। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट भी लग सकता है इसमें और भी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जो सबसे पहले रिटन एग्जाम लिखना होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी दिया गया है। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, जो 10वीं 12वीं डिग्री आप कुछ भी कहें दोस्तों, आवेदन आसानी से कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इंपोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया दोस्तों, जो 1 अक्टूबर से इसका आवेदन स्टार्ट होने वाले दोस्तों, आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आगे बताएंगे आवेदन किस तरह से करना है, और इसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर तक चलने वाली दोस्तों। देख सकते हैं, एडमिट कार्ड का अभी तक डेट नहीं आया दोस्तों, जब भी आएगा हम एक और वीडियो बनाकर बताएंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी दिया गया दोस्तों। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका फोन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, मेरे फोन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। आवेदन करने से पहले इसे एक बार जरूर पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि इसमें और भी अधिक जानकारी दिया गया दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूरी इसमें जानकारी दिया गया है स्टेप बाय स्टेप करके, तो आवेदन करने से पहले इसे जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रनिंग के बारे में बताया गया, जो 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8 मिनट में पूरा करना होगा दोस्तों, 10 फीट आपको जंप करना होगा दोस्तों, देख सकते हैं 3 फीट हाई जंप करना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से इसमें पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो आवेदन करने से पहले इसे जरूर एक बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो जैसा ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपको ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट करेगा दोस्तों। यहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो कैप्चर दिख रहा है दोस्तों, आपको जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से आपको भरना है दोस्तों, तब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। हम जल्दी से कैप्चर भर कर आपको बताते हैं दोस्तों।
तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, हम कैप्चर फिल कर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं दोस्तों। यहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से कैप्चर दिया हुआ है उसी तरह से आपको भरना होगा दोस्तों, वरना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ पाएंगे दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं दोस्तों, अग्निवीर का यहाँ से फॉर्म आप दिया गया है, आप यहाँ से भर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अप्लाई फॉर लॉग इन यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। अगर रजिस्ट्रेशन कर आपको आईडी और पासपोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ से आप पंजीकरण कर आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, यानी कि लॉग इन कर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा दोस्तों, जो जो डॉक्यूमेंट लग रहा है आपको रखना होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने में ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। जैसे ही पढ़ के इसे कंटिन्यू कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगले पेज पर हम आ गए हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो उस पर जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है कि एक बार गलत कर देंगे तो पंजीकरण में सुधार नहीं होगा, इसलिए सही से डिटेल भरिएगा दोस्तों। आगे बढ़िएगा जैसे ही यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम अगले पेज पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से आप जैसे ही आधार कार्ड डालिएगा दोस्तों और कैप्चा डालिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा दोस्तों। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों, और जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको मोबाइल पर आईडी और पासपोर्ट मिलेगा दोस्तों, तो आपको बैंक आकर यहाँ से लॉग इन करना होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बैंक कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको बैंक आकर यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यूजर नेम और पासपोर्ट आपको लॉग इन करना होगा दोस्तों, यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से लॉग इन कर आप यहाँ से लॉग इन कर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो हमारे इस वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए दोस्तों, वहां से हम एक और वीडियो डिटेल में बना देंगे कि ऑनलाइन किस तरह से करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आए तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह कन्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ।